गायब कैसे हो सकता है? अच्छी बात पहुंचानी चाहिए जी। मैं नहीं लिखूंगा, उसके नोटिस आ जाएगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल आप ये होता रिप्लाई गायब कैसे हो सकता है? बिल्कुल अगर अगर आप उसे ओ भाई बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं हूँ लोग गायब। बढ़िया, कब का मैं लोग गायब? ऐश्वर्य जी ऐसे एक बार बस किस तरह की बात है, लिखा हुआ है ऐसे एक बार ऐसे आपकी हवा के अभाव में ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है, ये बात मैं कह दूं तो मैं विपक्षी कवि हूँ। जनता की आवाज आप बुलंद करती हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था और जनता ने उसके समर्थन में वोट किया, तो आपको लगता नहीं है कि बुलडोजर पर ये सवाल गलत है? मैं आपको भाजपा का प्रवक्ता सब सवाल पूछे लेकिन आपसे नहीं पूछ सकते। नेहा जी ऐसे कैसे चले बैठे हुए हैं पैनलिस्ट? नेहा जी अभी थोड़ी देर में बुलाया फिर यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आपको भाई गुस्सा हो। नहीं वो ठीक है, अरे हमको तो कोई भी कुछ भी बोल देता है गुरुजी, वो फाइट नहीं है, लेकिन आप लोग तो लोक गायक है। एहसान किया है क्या? मजा आया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इन न्यूडो के साथ। और आज वीडियो होने वाली भाई नेहा सिंह राठौड़ मैम की, दोबारा से भाई गोदी मीडिया रोस्ट होने वाला है बहुत खतरनाक। बिकॉज यार गोदी मीडिया रोस्ट जो आते हैं ना ग्रुप में आते हैं तीन चार यार, ये अकेली एक बोल सकते हैं कि अकेली नारी सब पर भारी यार, मतलब वो इस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, बट ये फालतू रिप्लाई देती नहीं है, अपने मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से क्लियर कर देती हैं कि वो चुप हो जाते हैं और सामने वाले मतलब जैसे हम लोग रिएक्शन दे रहे थे ओपन, मतलब एक कॉमेडी रिएक्शन भी निकल जाए, मतलब एक कॉमेडी में रिप्लाई भी हो जाता है एंड भाई सामने वाला मजे मजे में ढेर हो जाता है। तो आई थिंक ये वीडियो भी ऐसी होने वाली है, तो लेट्स एंजॉय। एंजॉय करना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हर वीडियो में बने रहा करो सब्सक्राइब करके। सिटारिकल गानों की वजह से आए दिन ही चर्चे में रहती हैं, उनसे तो आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। उत्तर प्रदेश सिंगर है ये, मतलब और कानों में उनके गाने इतने चुभने लगे कि उनके खिलाफ एक्शन के लिए गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी करवा दिया। अच्छा। अब गोदी मीडिया वाले लग गए अपने काम में और खूब उल्टे सीधे शोज किए उनके खिलाफ और ऊट पटांग प्रश्न भी किए, जिनका नेहा सिंह राठौड़ ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। सरकारी कवि हो गए हैं आजकल, जो बड़े बड़े मंचों पे इनको बुलाया जाता है और ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इनकी महिमा मंडन करते हैं और वो कर रहे हैं। आपने कहा कि जो सरकार के अच्छे कामों की बात करे तो वो सरकारी कवि हो गया, वो चाटुकार कवि हो गया, तो इसीलिए तो सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रही हैं। कोरोना की अगर मैं बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं, है ना? अगर हाथरस में जो हुआ मैं अगर उसकी बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैं जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर मैंने सवाल की बात कर दूं, मैं बेरोजगारों की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। आपको नहीं लगता है कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी चीजें हैं? अगर मैं बेरोजगारों का दर्द गा दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं महिलाओं की बात कर दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। अगर मैं बात कर दूं कि किस तरह से मंत्री के बेटे ने पूरी रंगदारी के साथ किसानों के छाती पे गाड़ी चला दिया तो मैं विपक्षी कवि हूं। मैं बता दूं कि यूपी में किस तरह से कोरोना की वजह से कितनी सारी चीजें जो है एकदम से रोड पे आ गई थी, सारे लोग एकदम कोई दवा के अभाव में ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है, ये बात मैं कह दूं तो मैं विपक्षी कवि हूं। जनता की आवाज आप बुलंद करती हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था और जनता ने उसके समर्थन में वोट किया, तो आपको लगता नहीं है कि बुलडोजर पर ये सवाल गलत है? बिल्कुल बुलडोजर पे ये सवाल जो है। अच्छा आप बताइए जरा, आप मुझे बहुत ऐसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली मैं आपका जवाब भी देती हूँ। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर पर मेरा सवाल गलत है या सही है? आपको क्या लगता है सर, मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ। नहीं नहीं, बुलडोजर अगर अपना नहीं बोले, अगर माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, आपने कहा कि जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है, हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। बहुत अच्छी बात है बुलडोजर चल जाना, अतिक्रमण हटाना, माफियाओं के लिए ये सारी चीजें, पर एक गरीब परिवार जो घर के अंदर दो महिलाएं हैं और वो कह रही हैं कि मैं नहीं निकलूंगी, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी, और ये प्रशासन जानते हुए भी कि घर के अंदर दो महिलाएं हैं, इसके बावजूद भी पूरी असंवेदनशीलता के साथ बुलडोजर से रौंद देना। आप बुलडोजर का विरोध कानपुर घटना की वजह से चल जाती है, ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए? ये बुलडोजर ऐसे बुलडोजर चलना चाहिए? थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि इनको अपनी स्टेयरिंग थोड़ा सा संभाल के चलानी चाहिए? इट्स ओके आप चलाओ, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है कि घर के अंदर दो जान हैं, है ना, दो लोग हैं और आपको बहुत जल्दी पड़ी है सब कुछ। ठीक है नेहा, नेहा आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों का आपने जवाब दिया। आने के बाद कन्हैया जी ने कहा कि आपने सिर्फ इसलिए ये गाना बनाया क्या कि यू वांटेड टू कम इनटू लाइमलाइट मैम, ऐसा है क्या? कैसा नेहा सिंह राठौड़ जी, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं आपका, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए
कन्हैया जी जैसे लोगों की मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, वो मैंने कहा ना शोज मिलने का, इवेंट्स मिलने पर का, वही रिवर्स आपके लिए कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए थे जैसा कि इन्होंने, पर वही रिवर्स वो आपके लिए कहते हैं। बस नहीं 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 मेरी बात सुने, नहीं मुझे 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 इवेंट में बुलाए नहीं जाते हैं, आपको पता है मुझे नहीं बुलाया जाता है, मेरे बेरोजगारी के गीत ये नहीं सुन पाते हैं, मुझे बुलाया ही नहीं जाता है। तो इवेंट का तो चक्कर ही छोड़ दीजिए, इनके साथ इवेंट का चक्कर है। अब इनको पता है एक इवेंट में जो भी अपना रुपया पैसा ये जो भी भजन गाते हैं तो जो भी लेते होंगे, अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, अभी यूएस जाने का मन में सपना होगा, कौन भेजेगा, पार्टी फंडिंग कर रही है इन लोगों की, इन जैसों की, सब पता है। तो देखिए इनकी तो रिवर्स आपके लिए, मैंने कहा ना इवेंट का पुरस्कार पाने का चक्कर, और वो देखिए ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, वो राजा महाराजाओं के जमाने से आ रहा हूं ना, सरकारी चाटुकार भाट जिनको बोलते थे, दरबारी कवि बोलते थे, दरबारी गायक बोलते थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो परंपरा का ये कहीं ना कहीं वाहक है, ये लोग चाटुकार परंपरा का, तो ठीक है इन लोगों का अपना घर द्वार रोजी रोटी चल रहा है, चलने देते हैं। यही नहीं अभी और सुनिए कन्हैया जी, कोई काम से, और फिर मैं नेहा जी का जवाब ले रहा हूँ। कन्हैया जी, मैं कोई काम से, और फिर मैं नेहा जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा, नेहा जी ने जो आरोप लगाए फंडिंग है ये है वो है, ठीक है मैं उनकी बात को तवज्जो नहीं देता, क्योंकि बिना प्रूफ के कभी वो उन्होंने कभी हम लोगों ने मंच साझा नहीं किया, कहीं मिले नहीं, तो उनको कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि वो जिस नोटिस के कारण जिसके लिए परेशान हो रही है वो नोटिस के लिए, तो मैं उन्हें छोटी सी एक सलाह देना चाहूंगा, सलाह ले ना ले वो बात अलग है। हमारे पंजाब में, मैं चंडीगढ़ से हूं, तो हमारे पंजाब में अभी आपने देखा खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, तो अब मैं क्या खालिस्तानी के ऊपर, पंजाब के ऊपर गाना लिखने लग जाऊं? अगर लिखूंगा तो मुझे पता है मुझे नोटिस आएगा, समझ रहे हैं बात को? आप अगर सच्चाई को दूसरे तरीके से दिखाकर उस पर गाने गाएंगे तो आपको नोटिस आएगा ही आएगा, और सिर्फ हम कलाकार हैं, इतना डरपोक आदमी लोग गायक कैसे हो सकता है? अच्छी बात पहुंचानी चाहिए, उसमें मैं नहीं लिखूंगा, उसमें नोटिस आ जाएगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल आप ये होता है रिप्लाई, लोग गायक कैसे हो सकता है? बिल्कुल अगर आप उसे ओ भाई बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं लोग गायक, बढ़िया कब का मैं लोग गायक, ऐश्वर्य जी ऐसे एक बार बस किस तरह की बात है, ऐसे एक बार ऐसे आपकी हंसी से आपकी ये बड़ी जनता देख रही है, अनामिका हंसी से, अनामिका जी नेहा जी जनता देख रही है, आ गई आप लोग, लेट द कंट्री सी द रियलिटी। मैं वो हमें आपकी कंफ्यूजन भाई आपकी हंसी से हमें याद आ गई, वो शूर्प नका की हंसी, क्या बात है। मैं नहीं चाहता पर्सनल कमेंट, लेकिन नेहा जी एक बात साफ है जो आज ना आप ना कर सकते हैं, ना कन्हैया जी और ना अनामिका जैन जी, और मैं आखिरी सवाल आप तीनों से ले रहा हूँ, नेहा जी आपसे शुरू कर रहा हूँ, कि कविता में एजेंडा तो बा भाई, कविता में एजेंडा तो आ गया है, चाहे आपकी बात हो या फिर चाहे दूसरे, आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हो, पॉलिटिक्स से सीप सो डीप है, सुनिए ये एजेंडा है क्या, मंत्री के बटवा, यही मेरा एजेंडा है, सुनिए अब ये देखिए ये एजेंडा है क्या, अरे मंत्री के बटवा बड़ी रंगदार किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार सिंगर है क्या, जिम्मेदार बा का बा, यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गई ले लासन से गंगा भर गई, मुझे लगता है कोरोना से लाखन मर गई ले लासन से गंगा भर गई, फर्क ही नहीं पड़ता। अनामिका जी वो उनका व्यू पॉइंट है, जनता देख रही है आपका व्यू पॉइंट, कोई नहीं बोला आपके आपके व्यू पॉइंट में कोई नहीं बोला, आपने जो बोला पूरा एक एक शब्द है सब बाढ़ में, जो लड़की के परिवार बा, अरे काबा बढ़िया यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा, अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। देखिए सिस्टम पे सवाल करना गलत नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल है सिस्टम पे, एजेंडा कहिए, बट मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मंत्री का बेटा नेहा जी बाय द वे जेल में, किसी की नहीं सुनती यार, कन्हैया जी जेल में है ना मंत्री का बेटा, अनामिका जी मंत्री का बेटा जेल में है ना, जिस एक फाइव स्टार होटल में तो नहीं, एमपी तो नहीं बना दिया ना, के दर्द को दुनिया नहीं भूल पाई, क्योंकि यूपी ने ये भी देखा है कि माफियाओं लेकिन निर्भर इस बात पे करता है कि न्याय व्यवस्था क्या है। नहीं नहीं नेहा जी, कन्हैया जी, अनामिका जी, एक सवाल प्लीज, आप तीनों सुन लीजिए, नेहा जी आपने बोला ओके ओके, इसी उत्तर प्रदेश ने ये भी देखा है नेहा जी, अनामिका जी, की माफियाओं को विधानसभा
और संसद में भेजा गया है। उस मंत्री का बेटा जेल में है कि नहीं, यस और नो? अभी तक के चक्कर में कुछ नहीं है। नहीं, मंत्री का बेटा नेहा जी जेल में है कि नहीं? लोक गायन इनको से कौन सुनता है? मंत्री का बेटा कहाँ है? मंत्री के बेटे से मतलब नहीं, इनको टीआरपी चाहिए। संसद में क्यों नहीं भाई? वो सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए मंत्री का बेटा कहाँ है? नेहा जी, नेहा जी, मंत्री का बेटा कहाँ है? व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। नेहा जी, मंत्री का बेटा कहाँ है? अरे भैया, आप कह रहे जेल में है, तो कौन सा एहसान कर दिया सिस्टम? एहसान तो क्या करें? चलाया क्यों? मेरा सवाल तो ये क्या करें? जेल में है कि तालिबान की तरह सजा दे दे। नेहा जी, क्या करें आप बताइए? तालिबान की तरह सजा दे दे। नहीं, चलाया क्यों? कोरोना से इतने लोग मर गए, जेल में डाल। आपने आपने मंत्री के बेटे की बात की, वो जेल में है मैम। अरे भैया, आप प्रवक्ता है, वो जेल में है, वो बेल में, आप प्रवक्ता है, आपने कभी सवाल पूछा? आप क्यों नहीं पूछा? सवाल पूछा सरकार से? अभी थोड़ी देर में क्यों नहीं पूछा? थोड़ी देर में आपको भाजपा का प्रवक्ता सब सवाल पूछे, लेकिन आपसे नहीं पूछ सकते नेहा जी, ऐसे कैसे चलेगा? बैठे हुए हैं पैनलिस्ट। नेहा जी, अभी थोड़ी देर में बुलाया फिर यहाँ पे? अभी थोड़ी देर में आपको भाजपा का नहीं, वो ठीक है। अरे हमको तो कोई भी कुछ भी बोल जाता है गुरुजी, वो फाइट नहीं है, लेकिन आप लोग तो लोक गायक हैं। एहसान किया है क्या? मजा आया।